नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां नगर में खुलेआम मीट सप्लाई करने वाले लोगों की मनमानी का वीडियो आया सामने। मीट सप्लाई वाले लोगों की मनमानी से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। सोशल मीडिया पर इसकी काफी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमरोहा में मीट सप्लाई करने वाले लोगों की मनमानी सामने आई है। गाड़ी में लाद कर लाए मीट को खुलेआम सार्वजनिक रूप से सड़क पर उतारा जा रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ आसपास आवारा कुत्ते भी नजर आ रहे हैं। मीट सप्लाई वाले लोगों की मनमानी से इलाके के लोग परेशान हैं। हालांकि वीडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है। अमरोहा नगर के मोहल्ला इस्लाम नगर में खुलेआम और सार्वजनिक रूप से गाड़ी से उतारे जा रहे मीट का मोहल्ले के लोगों ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भी मीट सप्लायरों की मनमानी साफ साफ दिखाई दे रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। अमरोहा नगर के 3 स्थानों पर चल रही अवैध प्लांटिंग को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया है। प्रशासन द्वारा जेसीबी चलाए जाने पर भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमरोहा में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर राजस्व विभाग को हानि पहुंचा रहे भू माफियाओं को प्रशासन की तरफ से स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी कॉलोनाइजर बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग नहीं करें, नहीं तो नियम अनुसार FIR भी हो सकती है। शुक्रवार को अमरोहा नगर में 3 स्थानों पर JCB के माध्यम से प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया, जिसमें भूमाफियाओं में हड़कंप मचा रहा। अमरोहा नगर के कांठ रोड स्थित काशीराम कॉलोनी के मार्ग पर अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की JCB चलाने से हड़कंप मच गया और नगर पालिका और विनिमय क्षेत्र के विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई और भूमाफियाओं को स्पष्ट चेतावनी दी गई। शुक्रवार को दोपहर बाद अमरोहा तहसील की टीम को देखकर भूमाफिया कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि अमरोहा नगर में लगातार अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है, इसलिए पिछले कुछ दिनों में ही प्रशासन के द्वारा लगभग 70 स्थान पर अवैध रूप से की जा रही है प्लॉटिंग पर प्रशासन की JCB की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन भूमाफिया के हौसले बुलंद है और लगातार कहीं ना कहीं अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। ये अवैध कॉलोनियां हैं, यहाँ पे जो काशीराम कॉलोनी है उसके लिए रास्ता जाता है, कांठ रोड से निकला है, बाईपास में जाके मिल जाता है, कैलसा बाईपास में जाके उस पर। इसमें जो है काफ़ी दिनों से जो है, एक बार और भी हो सकता है, एक साल पहले चलाई गई, पर ये दो लोग दोबारा से फिर उसमें करने शुरू कर दिए हैं, जो संज्ञान में आया। परसों SDM साहब ने, हम लोगों ने पूरा विजिट किया, जिसमें पाया गया कि इनका जो है कोई भी लेआउट पास कराने नहीं आ रहा है, तो इस कारण इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, मैं जब से आया हूँ, जब से कम 70 जगह तो चल चुका, 70 जगह चल चुका है, जिसमें और जहाँ पे भी हमें मालूम होता है कि अवैध कॉलोनियाँ हैं, हम तुरंत उसका कार्रवाई करते हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाते हैं। आज अभी 3 जगह का प्रोग्राम है इसमें। एक तो इस कॉलोनी में जो चल रहा है, इसके एक और बाग में जाके कॉलोनी कटी है, पीछे तालाब आ जाता है, उससे पहले भू माफियाओं पर कार्रवाई के लिए बोर्ड बैठक में जो अभी प्रस्ताव हमारा बना है कि ऐसे भू माफियाओं जो कॉलोनी काट रहे हैं उनको चिन्हित करते हुए उन पर जो है FIR कराने की भी प्रक्रिया की जानी है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बाराबंकी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक की हुई दर्दनाक मौत। बाराबंकी से रामपुर घर वापस लौट रहे थे दोनों युवक। घटनास्थल मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मामला थाना सफदरगंज के परसा गांव का बताया जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में अंतरिक्ष विज्ञान और वैदिक गणित की एक कार्यशाला को आयोजित किया गया। शोहरतगढ़ तहसील में आयोजित इस कार्यशाला में देश के जाने माने वैदिक गणित के प्रोफेसर मोहर सिंह सोलंकी ने शिरकत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में अंतरिक्ष विज्ञान और वैदिक गणित की एक कार्यशाला आयोजित की गई। शोहरतगढ़ तहसील के शिवपति PG कॉलेज में आयोजित इस कार्यशाला में देश के जाने माने वैदिक गणित के प्रोफेसर मोहर सिंह सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया।
उनके साथ गोरखपुर तारामंडल के एस्ट्रोनॉमी एजुकेटर अमरपाल सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न विद्यालय से आए हुए सैकड़ों बच्चों को इलेक्ट्रोफिजिक्स और साइंस द्वारा दिए जा रहे विभिन्न योगदानों को बताकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत शोहरतगढ़ द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया रामानुजन क्लब करीब 18 साल पहले एक क्लब बनाया है, एक सोसाइटी है एक तरह की, और इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद जब राष्ट्रपति बने वे अपने रिटायरमेंट के बाद आधी सैलरी दे देते थे इस कार्य करने के लिए, हम लोगों को प्रमोट करने के लिए। तब से हमें 2016 में आनंद कुमार सुपर 30 वाले को रामानुजम अवार्ड मिला, 2018 में मुझे मिला, तब से मैं जुड़ा हूँ। और मैंने 400 से अधिक वर्कशॉप बच्चों को गणित के त्वरित गणना की, फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई। हमारे यहाँ सुपति पीजी कॉलेज में कार्यक्रम कराने के लिए नगर पालिका ने हमको जो है संपर्क किया और बताया कि यहाँ पर स्पेस के संबंध में, एस्ट्रोफिजिक्स के संबंध में कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। चूँकि हमारे यहाँ आर्ट्स की सारी कक्षाएँ चलती हैं ग्रेजुएशन में, और साइंस की बायो और मैथमेटिक्स ग्रुप का पूरा चलता है, बीएड है, और उसके साथ साथ पीजी की भी कक्षाएँ चलती हैं, तो मुझे लगा कि खास करके इंटरमीडिएट के भी बच्चे कुछ इसमें आने वाले थे जिनकी ऐसी रुचि थी, कुछ प्राइमरी के भी बच्चे जो इसरो गए थे उनको भी यहाँ पर आना था, तो मुझे लगा एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा। और साइंस के संबंध में, खगोल विज्ञान के संबंध में, जियोग्राफी के संबंध में, अपने ब्रह्मांड के संबंध में, और जो सारा जो खास करके उसमें वैदिक मैथमेटिक्स की भी बात कही गई थी, तो एक काफ़ी अच्छी बातें उसमें हमको ध्यान में आया। और वहाँ से जो चीफ गेस्ट के रूप में चल करके आए और मध्य प्रदेश से जो है जिनको मैथ्स गुरु कहा जाता है, तो मुझे लगा कि एक हमारे भी बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और एक सुरुचि उनके अंदर विकसित होगी, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी के संबंध में। अभी इसरो भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है उस संबंध में, और एक अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने प्रयास किया और काफ़ी एक गेट टुगेदर हो गया। और मुझे, मेरे छात्र छात्राओं को और जो इंटर कॉलेजों से भी जो छात्र छात्राएँ आए थे उनको भी स्पेस साइंस के संबंध में, गणित के संबंध में, वैदिक मैथमेटिक्स के संबंध में, अपने भारत में जो लगातार कार्यक्रम जो ऐसे पुराने समय में जो हमारे महर्षियों द्वारा जो किए गए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, उसके संबंध में एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। हम महाविद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करते हैं, क्योंकि कैरिकुलम के साथ को कैरिकुलम की भी बात और NEP के अंदर कही गई है, तो बच्चों को हमको ज्ञान वर्धन करना है जो किसी भी तरीके से हुआ। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।